वेंकटेश। कहाँ के रहने वाले हो अंकल आप? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के रहने वाले हो, तो यहाँ नवसारी कैसे पहुँचे? ऐसा घूमते घूमते पहुँचे है। हमारा लोग इधर ही दवा बेचता है। अच्छा, हमारा में दवा ही बेच देता है। आपके परिवार में कौन कौन है अंकल? परिवार नहीं है मेरा, सब मर गया। वहाँ आंध्र प्रदेश में कौन कौन है? तो हाँ, उधर चाचा का वो भी मर गया। हाँ, छोटा चाचा था वो भी मर गया। अभी कोई नहीं बचा? उसका औरत लोग है। अच्छा, तो नवसारी में कितने टाइम से रह रहे हो आप? अभी तो 15 साल हो गया होगा। अच्छा, 15 साल से इधर रहते हो? हाँ। तो आपका रहने का ठिकाना यही है, फिर कोई दूसरा घर था आपके पास? हाँ, दुकान में सोता था पहला। अच्छा, दुकान में सोते थे। हाँ। कौन सी जगह पे? वो लाइन बंद होता है ना। अच्छा, जब अब जाके सो जाता है। तो इतनी गंदी हालत क्यों हो गई? मतलब आप तो अच्छे खासे मतलब समझदार व्यक्ति हो, तो फिर ऐसे हालत क्यों हो गई? क्या करने का, अभी हजार पड़ गया, कुछ भी दोता नहीं, कैसे दो ना, सकते नहीं। अच्छा, पैसा टॉयलेट सब अंदर है? हाँ, पैसा टॉयलेट सब पेंट में ही करते हो? हाँ, ये मैं सही बोलता हूँ। मैं आपके पास कोई सुविधा नहीं है इसलिए मतलब कि, या फिर आपके पैरों में क्या प्रॉब्लम है? ये नीचे, आप ये ऊपर देखा है ना? हाँ हाँ, नीचे भी वही है। अच्छा, मतलब कुछ हो गया था इसमें? कुछ नहीं हुआ बाबा, इतना पड़ी हुआ था इधर, उससे ऐसा खुजली लगा मेरे को। अच्छा, फिर उसके बाद इन्फेक्शन हो गया हो? हाँ अंकल, मैं आपके पास अभी बैठ भी नहीं सकता हूँ, इतनी टॉयलेट की बात आ रही है। बट हमें यहाँ से फ़ोन आया था बहन का कि आप काफ़ी टाइम से इधर रहते हो और बहुत ही, क्या बताऊँ मैं आपको, ऐसे हालात होते साथ चलिए आप, ठीक है? आपके हालात को बहुत बदलाव लाएंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है शायद हम कुछ उसमें आपकी मदद कर सकते हैं, ठीक है? इधर जाने का? इधर ही है, नज़दीक में। पहले हम आपको अभी जो टॉयलेट है ना सब पेंट में, उसको पहले हम साफ़ करते हैं और उसके बाद आपको अच्छे कपड़े, अच्छी रहने की सुविधा, खाना पीना सब प्रोवाइड करेंगे, ठीक है? चलिए आ जाइए। दोस्तों, अभी हम नवसारी में हैं और सूरत मतलब थे हम, और नवसारी से फ़ोन आया था बहन का, और काफ़ी टाइम से इधर अंकल रह रहे और बहुत ही बुरी हालात है। अभी पास में हम बैठ भी नहीं सकते, इतनी टॉयलेट की बात आ रही है, क्योंकि उसके पास कोई सुविधा नहीं है, शरीर कमज़ोर हो चुका है, बारिश की वजह से इधर ही वो रहते हैं। आप सोचिए कि व्यक्ति जो रोड पे रहता है उसको कितनी मुसीबतें आती होगी। तो चलिए अंकल के कुछ हालात बदलाव लाते हैं और आप भी आगे आइए और एक दूसरे लोगों की मदद कीजिए। चलिए अंकल, आप खड़े हो सकते हो या फिर हम ले लेते हैं? नहीं, रुकिए, तो हम ले लेते हैं आपको। वो दरवाजा खोलो। हाँ हाँ, मैं खोल देता हूँ। क्या आपका फ़ोन था ना बहन? देती नहीं हूँ, पहले तो ये चलते फिरते दिखते थे तो कभी 10 रुपये 5 रुपये मैं देती थी, मेरी ऑफिस यहाँ पास में ही है। अच्छा, बट अभी मैंने काफ़ी दिनों से इनको इधर ही देखा है। बारिश की मौसम है तो कोई ताड़ पत्री दे गया है, किसी ने रेनकोट दिया, इस वजह से कोई हेल्प कर रहा है। शाम को मैं भी इनको खाना दे के जाती थी, पर अभी कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ ये लिटरली शिवर कर रहे थे। फिर मैंने एक दो बार बात करने की ट्राई की तो इन्होंने बताया उनके पैर में भी तकलीफ है। हाँ, लग रहा है इन्फेक्शन, इसलिए फिर मैंने आप लोगों को कॉल किया। चलिए कोई बात नहीं, कुछ हालात को बदलाव लाते हैं, ठीक है? चलिए अंकल, हम आ जाइए इधर, आप आ सकते हो या फिर हम ले लें? इधर आ जाइए। ये क्या है, हाथ में ना कुछ हो इसलिए बांधा है इसको चलने के लिए? क्या बात है, इधर आ जाइए। चलिए दोस्तों, अभी हम आशापुरी मंदिर है इधर आ गए, और उसके पीछे ही मतलब अंकल यहाँ पे रहते थे, और इधर ही एक शेल्टर होम है, वहाँ पे ले जाते हैं और उसके हालात को बदलाव लाते हैं। थैंक यू सो मच। चलिए बहन, थैंक यू।
बहुत दुर्गंध आ रही है, कड़ा भी नहीं हो रहा हूँ। दोस्तों आप देखिए कि इंसान कितनी बदतर हालत में रहता है। अभी पास में हम खड़े भी नहीं रह पाते, तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति कैसे रहता होगा जहाँ पे काफी दिनों से वहाँ पे रहते थे, तो इतनी गंदगी के साथ, खुद का टॉयलेट के साथ वो वहाँ पे रहना कितनी मुसीबत के साथ वो जीते होंगे। आप सोच भी नहीं सकते हो कि व्यक्ति कितनी बुरी हालात के साथ वो रहते थे। और खास करके आंध्र प्रदेश के जितने भी लोग मेरे देख रहे हैं, प्लीज दोस्तों इस एपिसोड को शेयर कीजिए। और काफ़ी बदतर हालात है अंकल के, शायद उसका कोई परिवार मिल जाए तो हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होगी। चलिए अभी तो थोड़ी दुर्गंध आ रही है, बट थोड़ा टाइम हम देंगे उसको, साफ सफाई करेंगे तो आने वाले दिन में हम बिल्कुल बदलाव ला सकते हैं। इस एपिसोड को पूरा देखिए और शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। और वो फिर पहन लेना, अभी निकाल दो, नहाना है ना। तो आप देखिए कि अंकल की शरीर की सभी मतलब बालों के हालात आप देखिए कि काफी दिनों से वो नहाए नहीं थे। और चलो नहाने की बात तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि वहाँ पे कोई सुविधा ही नहीं थी ऐसी, क्योंकि कोई भी व्यक्ति रोड पे रहता है तो उसको कोई नहाने की अच्छी जगह मिल जाए, अच्छे कपड़े मिल जाए, खाने के लिए अच्छा कोई खुराक मिल जाए, तो कोई भी आदमी सुधर सकता है, अपनी नॉर्मल लाइफ में आ सकता है और अपना शरीर का भी अच्छे से ख्याल रख सकता है। अंकल की बालों की हालत देखिए, इधर आइए देखिए, इतनी गंदी तरह से वो रहते थे। तो आप भी आगे आइए और एक दूसरे लोगों की मदद कीजिए। बराबर काका है, हो गया ना कंप्लीट? क्या लग रहा है आपको? सही, उसको शायद टीबी के पेशेंट ऐसा लग रहा है। देखो तो उसमें उसके अंदर ताकत है ही नहीं, उसको पकड़ के रखो तो भी वो गिर जाता है। यो वो लगा के पियो खुदा को फाइनली दादा की जो भी कुछ हालत थी उसको बदलाव लाया और बहुत ही अच्छे से अभी उसको हम लेके जा रहे हैं नवसारी से सूरत, और वहाँ पे उसकी जो भी अभी कोई मेडिकल स्थिति है उसमें भी हम कुछ अच्छी ट्रीटमेंट उसको मिल सके, वैसी कोई संस्था के साथ या फिर हॉस्पिटल के साथ टाइप करके उसको अच्छे से सारवार भी दिलाएंगे। और अभी हम उसको लेके जा रहे हैं एक दूसरे आश्रम जहाँ पे उसको सब रहने की और खाने पीने की सब सुविधाएं मिलेगी। और थैंक यू सो मच, आज ने आप पूरा एपिसोड देखा, और आप ऐसे ही प्यार सपोर्ट देते रहिए और अपने आसपास लोगों की मदद कीजिए।
क्योंकि आप भी आगे आओगे तभी हम एक दूसरे लोगों की मदद कर पाएंगे। हमें सूरत से नवसारी जाना पड़ता है, फिर नवसारी से वापस भी आना पड़ता है, तो चलो ये तो नज़दीक है तो हम अच्छा आसानी से पहुंच जाते हैं, पर काफ़ी दूर दूर से हमें फ़ोन आते हैं हमारे हेल्पलाइन नंबर पे, अब आप इधर आओ हमारे इस आसपास लोगों की मदद करो, पर हमारी टीम इतनी बड़ी नहीं है, हम प्रैक्टिकली वहाँ पे ऑन द स्पॉट पहुँच नहीं सकते हैं। तो बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप भी आगे आइए, थोड़ा टाइम में से टाइम निकालिए, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हम रोजाना हम डेली पे जो हमारी जो रेगुलर लाइफ जो हमको हम जीते है वही लाइफ उसको समझानी है कि आप भी ऐसे जियो और अच्छे से टाइम पे ना लो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छे खाने की कोई सुविधा कर दो, तो उस आदमी बदल सकता है, कोई भी चीज़ देखे आप उसके छुटकारा मत ले लो, आप भी आगे आइए, एक दूसरे लोगों की मदद कीजिए और ऐसे प्यार सपोर्ट दीजिए। थैंक यू सो मच एपिसोड को देखने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे सभी वीडियो को देखते रहिए, शेयर कीजिए आपके सभी ग्रुप के अंदर। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।